जय जोहार सभी नौनी मन दाई मन, आप सब के लिए हम हमर बेटी हमर अभिमान कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ये कार्यक्रम क्यों शुरू कर रहे हैं इसके बारे में मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप सब लोग देखते होंगे कि आपके गांव में कुपोषित बच्चे हैं, आपके गांव में बाल विवाह होते हैं, आपके गांव में किसी को टोनी बनाकर प्रताड़ित किया जाता है, आपके गांव में किसी को शराबी पति या शराब के नशे के कारण मारपीट का सामना करना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। आप सब लोग ये भी देखते हैं कि गांव में बहुत बार गरीबी के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप लोग ये भी देखते हो कि हमारी बहुत सारी बहन बेटियां खुले में शौच जाती हैं और अनेक बार उनके साथ कई प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। ये सब हम कब तक देखते रहेंगे? और जब तक हम केवल देखते रहेंगे तब तक ऐसा चलता रहेगा। इसलिए ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं कि अब हमें सिर्फ देखना नहीं है, अब हमें कुछ करना भी है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कैसे कुछ कर सकते हैं, हम तो गांव में रहने वाले साधारण लोग हैं, हम तो किसी सरकारी विभाग में काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहली शुरुआत आप ही लोगों को करनी है, क्योंकि आपको ये तय करना है कि आपकी बाड़ी में लगा हुआ पालक, आपकी बाड़ी में लगा हुआ पपीता आपके घर के बच्चे को खिलाया जाए। आपको ये तय करना है कि आपके परिवार का बच्चा स्कूल में जाए। आपको ये तय करना है कि जिस तरह से आपने घर बनाया उस तरह से आपको शौचालय भी बनाना है। आपको ये तय करना है कि अगर आपके गांव का कोई भी बच्चा कमज़ोर है, कुपोषित है, आपके गांव की किसी भी बालिका का बाल विवाह हो रहा है तो आपको खड़े होना है। हम आपको सारे कानूनों के बारे में, उनके पास उपलब्ध प्रावधानों के बारे में, किस कार्यालय में किस विभाग में कौन सी योजना का संचालन हो रहा है, उन सब के बारे में सिर्फ जानकारी देने के लिए यहाँ है, ताकि आप लोग जागरूक होकर अपने गांव के विकास की, मुख्य रूप से महिलाओं के और बच्चों के विकास की दशा खुद तय कर सकें। ये सिर्फ आपको जागरूक करने का, आपको सशक्त करने का माध्यम है। आप सबको पता है कि हमने पहले से भी कहा है कि हर महिला को शिक्षित करना है, इसलिए अंगूठा छाप से मुक्ति पानी है। हर महिला के पास शौचालय की सुविधा होनी है ताकि वो लोटा छाप से मुक्त हो। हर महिला को एक अच्छा जीवन जीना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है ताकि वो समूह से जुड़कर अपना और अपने परिवार का और समाज का भला कर सके। इसके साथ साथ अगर हमारे गांव से कुछ बच्चियां गायब हैं, अगर हमारे गांव से कुछ बच्चे गायब हैं, तो उसकी तहकीकात भी हमको करनी है कि वो बच्चे कहाँ गए, क्यों गए, किसी गलत हाथ में तो नहीं चले गए, और अगर चले गए आपकी जानकारी में आता है तो तत्काल पुलिस में या महिला बाल विकास विभाग में उसकी जानकारी दें। मैं आप सब लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि आपके गांव में होने वाली समस्याओं के बीच में अब आप जियो नहीं, अब आप उन समस्याओं को हल करने की दिशा में खुद को जागरूक बनाकर आगे बढ़ो। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक नोनी, एक एक दाई, एक एक हमारी महिला अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए जागरूक होकर जरूर इस काम में आगे बढ़ेगी। जय जोहार।